गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और टेक्सटाइल्स और लॉन्ड्री के सिलेबस के अनुसार हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए और इन दिनों हम 10th चैप्टर भारतीय कढ़ाई कला यानी इंडियन एम्ब्रॉयडरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा के और आपको बहुत सारी जो भी हमारी भारतीय कढ़ाई कलाएं हैं उनके नाम बताए थे और आज हम उन कढ़ाई कला को डिटेल में पढ़ेंगे आज से। तो पहली जो कढ़ाई कला है, पहली जो एम्ब्रॉयडरी है वो है कश्मीरी कढ़ाई कला। कश्मीरी कढ़ाई कला के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो कश्मीर जो है वो अपनी एम्ब्रॉयडरी के लिए, कढ़ाई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि कश्मीरी कढ़ाई जो है वो शॉल में या फिर सूट्स में, साड़ियों में, नंदे पर कई जगह होती है, इसलिए कश्मीर जो है वो एम्ब्रॉयडरी के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। कश्मीर की जो कढ़ाई होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, हम उसे कशीदा कहते हैं। मतलब जो कढ़ाई कला है वहाँ की, कश्मीर की, उसे हम कशीदा कहते हैं। और इस कशीदे में यानी कश्मीर की जो कढ़ाई कला है उसमें कुछ साधारण टांके यूज़ होते हैं। मतलब साधारण एम्ब्रॉयडरी, बिल्कुल सिंपल एम्ब्रॉयडरी के जो स्टिचेस हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे चेन टांका बनाते हैं, जो भी हम नमूना बनाते हैं उसमें चेन टांका होता है, साटन स्टिच होती है, उल्टी बखिया का जो टांका होता है वो बनाते हैं, और फंदे का जो टांका होता है वो बनाते हैं, और हेरिंग बोन स्टिच यूज़ करते हैं। मतलब जो कश्मीरी कढ़ाई कला है कशीदा, उसमें कई तरह के स्टिचेस काम में आती है और उन स्टिचेस में बिल्कुल साधारण एम्ब्रॉयड्रीज यूज़ होती है। साधारण एम्ब्रॉयड्रीज में चेन स्टिच है, साटन स्टिच है, उल्टी बखिया है, फंदे है, हेरिंग बोन है, ये स्टिचेस काम में आती है इनके नमूने बनाने के लिए। और कश्मीर में पश्मीना शॉल या फिर साड़ियाँ या फिर ऊनी शॉल और नमदे, इनके लिए भी कश्मीर बहुत अधिक प्रसिद्ध है। वहाँ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है। जो भी वहाँ के आर्टिकल्स होते हैं, भले नमदा है, शॉल है, साड़ी है, सूट है, उन सभी में जो नमूने बनाए जाते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी होती है, उसमें प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ की जो नेचुरल सीन सीनरी होती है, जो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है वो झलकता है उस एम्ब्रॉयडरी में। यानी कश्मीरी कढ़ाई कला से कश्मीर का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो परिलक्षित होता है। और इसके जो नमूने होते हैं वो प्रकृति से बहुत क्लोज होते हैं, प्रकृति से रिलेटेड होते हैं। जो भी कश्मीरी के कशीदे के जो नमूने होते हैं, और वो होते हैं फूलों के नमूने, फल के नमूने होते हैं, पत्तियों के होते हैं, जैसे चिनार की पत्ती, विशाल पर्वत उसमें एम्ब्रॉयडरी में दिखाया जाता है, विशालकाय झीलें दिखाई जाती है, और ये सभी नमूने बहुत ही सूक्ष्म और बारीक तरीके से एम्ब्रॉयडरी किए हुए होते हैं कपड़ों पे। और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है, कढ़ाई की जाती है, वो सिर्फ एक धागे, सिंगल धागे से कढ़ाई की जाती है। और उसमें जब सिल्क का वस्त्र होता है तो उस पर सिल्क के धागे से एम्ब्रॉयडरी होती है, लेकिन जब ऊन होता है, ऊन से जैसे शॉल है या कुछ और भी बनाया जाता है, तो ऊन पर सिल्क से भी एम्ब्रॉयडरी करते हैं और ऊन से भी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। और कश्मीर का जामावार शॉल जो होता है वो तो बहुत ही अप्रतिम होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है और बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद किया करते हैं। उसके जैसा कहीं भी और जामावार शॉल नहीं बन सकता है। उसके अलावा कश्मीर में जब नमदे बनते हैं तो वो नमदे करीब गलीचे
और कालीन के रूप में भी मैक्सिमम लोग उसको यूज करते हैं। होता नमदा है लेकिन वो गलीचे और कालीन के रूप में इसलिए करते हैं उसको यूज है, क्योंकि वो मोटा फेल्टिंग होती है, उसमें जो सूती और ऊनी जो धागे होते हैं इकट्ठा करके और उसको जो नमदे को बनाते हैं तो उसकी मोटाई थोड़ी बड़ी होती है, ऊंची होती है, तो वो कालीन और गलीचे की तरह यूज होते हैं। मोटा फेल्टेड होता है, उसमें सूती और ऊनी रेशे इकट्ठे करके और वो नमदा बनाया जाता है। नमदा बनाने की प्रक्रिया में पहले बता चुकी हूँ कि एक फिक्स टेम्परेचर होता है, दबाव होता है, नमी होती है, उसमें उसको दबाया जाता है। फिर जब ये नमदा बन जाता है तो उस नमदे के ऊपर सैटिन स्टिच, क्रॉस स्टिच या चेन स्टिच, इन तीनों ही स्टिच यानी इन तीनों ही एम्ब्रॉयडरी की कलाओं से नमदे के ऊपर सजावट की जाती है। नमदे के अलावा कश्मीर में एक फिरन पहनते हैं, गब्बा। तो गब्बा और फिरन जो है वो भी ऊनी छोटे-छोटे तंतुओं से बना हुआ होता है। जो निम्न कोटि की ऊन है उससे गब्बा बना हुआ होता है, गब्बा या फिरन। और गब्बा या फिरन इतना गर्म होता है कि उसको सर्दी में ही यूज़ किया जाता है। और जो गब्बा और फिरन बनाने के बाद में ऊपर से कुछ एम्ब्रॉयडरी की जाती है और ये आकर्षक रंगों में भी बनाए जाते हैं, फिरन बनाए जाते हैं। फिर कश्मीर से ही शॉल पर एम्ब्रॉयडरी शुरू की गई थी। लूम पर भी एम्ब्रॉयडरी करते हैं, लूम के बाद भी एम्ब्रॉयडरी करते हैं, दोरुखा टाइप भी करते हैं कि शॉल के दोनों तरफ एम्ब्रॉयडरी होती है और वो बिल्कुल होते टाके ही हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे लूम पे बनाया हुआ हो, ऐसा दरुखा जैसा शॉल होता है। तो जो कश्मीरी शॉल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और उनमें जैसे एक है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल जो बनाई जाती है वो एशिया में जो पहाड़ी बकरियां होती हैं उनकी ऊन से पश्मीना शॉल बनाई जाती है और उनकी ऊन से जो पश्मीना शॉल बनती है वो बहुत ही गर्म होती है, बहुत ही लाइट वेट होती है, बिल्कुल कम वजन की और बहुत ही महीन बनी हुई होती है। क्योंकि ये पश्मीना शॉल बहुत ही महीन होती है, अति सूक्ष्म बनती है और तो इस पर जब एम्ब्रॉयडरी होती है तो वो भी सूक्ष्म वाली इंट्रिकेट डिज़ाइन और इंट्रिकेट धागे मतलब पतले पतले धागे से ही एम्ब्रॉयडरी की जाती है, इसलिए पश्मीना शॉल बहुत ही महंगी होती है, कॉस्टली होती है, क्योंकि एशिया की पहाड़ी बकरी की ऊन से बनती है पहली बात तो, और जब बनाते हैं इसको बिल्कुल महीन पतली लाइट वेट की बनाते हैं और अगर एम्ब्रॉयडरी होती है तो वो भी बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म डिज़ाइन होती है, इसलिए ये महंगी होती है। शॉल में फिर दूसरी तरह का शॉल है दोशाला। तो दोशाला जो कश्मीरी शॉल होता है जब उसको बुनते हैं तो उसमें उल्टी सतह पर धागे नहीं दिखाई देते हैं, इस तरह से दोशाला को बुना जाता है। तीसरी तरह का जो कश्मीरी शॉल है वो होता है दोरुखा। दोरुखा मतलब मतलब ऊपर की साइड भी एक अच्छी डिज़ाइन दिखाई देती है और पीछे की साइड भी अच्छी डिज़ाइन देती है, दोनों ही तरफ एम्ब्रॉयडरी होती है, कई बार तो दोनों तरफ एक ही डिज़ाइन होती है और रंग अलग अलग कर देते हैं धागे का, और कई बार डिज़ाइन भी अलग होती है एक ही रंग होता है, तो कुछ भी कर सकते हैं डिफरेंस करने के लिए कि दोनों तरफ हम धागे इस्तेमाल करते हैं और डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं और ऐसा लगता है जैसे लूम पर बना हुआ शॉल है ये, ऐसा नहीं लगता है कि ये हाथों से बनाए हुए शॉल होते हैं। चौथी तरह का जो कश्मीरी शॉल है वो है कासेवा। कासेवा जो शॉल होते हैं वो चौकोर टुकड़े से होते हैं, चौकोर पीस बने हुए होते हैं और वो अधिकतर ट्विल वीव से बने हुए होते हैं। ट्विल वीव से बनने के बाद में जो ये चौकोर टुकड़े होते हैं उन पर बहुत ही सुंदर आकर्षक डिज़ाइन की एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती है। फिर पाँचवीं तरह का कश्मीरी शॉल है जामावार। तो जामावार जो शॉल होते हैं वो मिश्रित धागे से बना हुआ होता है, जैसे ऊनी धागा भी होता है उसमें सूती धागा भी होता है, तो मिश्रित धागों से बने हुए होते हैं और इन शॉल पर फिर फूल और पत्ती इन सब के डिज़ाइन जामावार शॉल पर बनाई जाती है। और जामावार शॉल के जो बॉर्डर्स होते हैं
वो ब्रोकेड के बने होते हैं, ब्रोकेड में सिल्क के धागे काम में लिए जाते हैं, तो इसके बॉर्डर ब्रोकेड के बने होते हैं, सिल्क के धागे काम में लिए जाते हैं, और कई बार जैसे फूल पत्ती नहीं है और शिकार का चित्रण किया हुआ है जामावार शॉल के ऊपर, जो एम्ब्रॉयडरी है वो, अगर शिकार का चित्रण है तो उस शॉल को शिकारगढ़ कहते हैं। फिर कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी जो है उसमें कई सारे रंग काम में लिए जाते हैं, जैसे सफ़ेद, हरा, बैंगनी, नीला, पीला, काला, नारंगी, ये सब जो हैं वो कलर्स एम्ब्रॉयडरी में काम में लिए जाते हैं। और उसके बाद जो नमूने होते हैं इसमें वो कई तरीके के होते हैं, जैसे अगर पक्षियों के नमूने होते हैं तो उसमें तोता, कठफोड़वा, फूल के होते हैं तो लिली का फूल, लोटस का फूल, या फिर कुछ फल होते हैं अंगूर, चेरी, बादाम, या फिर पत्तियां होती है चिनार की पत्ती, या फिर कोई जो कीड़े जो उड़ने वाले होते हैं जैसे तितली, तो कई सारे नमूने इन शॉल पर एम्ब्रॉयडरी यानी कशीदे के द्वारा बनाए जाते हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है भारतीय कढ़ाई कला, इंडियन एम्ब्रॉयड्रीज, और इंडियन एम्ब्रॉयड्रीज कई तरीके की होती है। सबसे पहले हम कश्मीर की कढ़ाई कला के बारे में पढ़ रहे हैं जो कश्मीर में बनती है, अधिकतर नमदे पर, शॉल पर, साड़ी पर, सूट्स पर, इन सब पर बनाई जाती है। अधिकतर इसमें ऊन का धागा काम में लिया जाता है, सिंगल धागा काम में लिया जाता है, और जब सिंगल धागे के जो डिज़ाइन बनते हैं वो पुरुष बनाते हैं, और जो इनमें डिज़ाइंस होते हैं वो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, फूल, पत्ती, झरना, झील, पहाड़, ये सब होते हैं। उसके अलावा इसमें नमदे बनाए जाते हैं ऊनी और सूती सूत से, वो थोड़े ऊंचे होते हैं, वो कालीन का इफेक्ट लेते हैं, उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। उसके अलावा जो कश्मीर में गब्बा और फिरन भी बनता है पहनने का, वो बहुत ही गर्म होता है, उस पर भी चटक रंगों से एम्ब्रॉयडरी वगैरह की जाती है, और बहुत तरह के शॉल बनाए जाते हैं। शॉल की एम्ब्रॉयडरी कश्मीर से ही शुरू हुई थी और इसीलिए कई तरह के शॉल बनते हैं वहाँ, और बहुत ज़्यादा एक जो वेल नोन वहाँ का होता है पश्मीना शॉल, बहुत ही प्रसिद्ध। तो पश्मीना शॉल जो है वो बकरी के ऊन से बनता है, एक पहाड़ी बकरी होती है एशिया की, उस ऊन से बनता है, बहुत ही महीन, पतला, कोमल बनाया जाता है, उस पर डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी की, वो भी बहुत पतली होती है, तो सब चीज़ बहुत ही सूक्ष्म और लाइट वेट की कोमल होती है, इसलिए पश्मीना शॉल बहुत महंगे होते हैं। दुशाले में जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसका धागा पीछे की तरफ नहीं दिखता, इस तरह से ये बनाए जाते हैं। दो रुखा में अगर हम देखें कि एक तरफ की डिज़ाइन दूसरी तरफ दिखाई नहीं देती, तो इसलिए जब डिज़ाइन बनती है वो एक तरफ अलग, दूसरी तरफ अलग, और दोनों को या तो एक ही रंग से बना सकते हैं डिज़ाइन को, या फिर एक ही डिज़ाइन दोनों तरफ रखते हैं और रंग दोनों तरफ अलग कर देते हैं, लेकिन धागा इधर से उधर नहीं जाता, और इस तरह से दो रुखा, मतलब ऐसा लगता है जैसे लूम पर बनाया हुआ हो, ऐसा शॉल लगता है। फिर चौथी तरह का कासेवा होते हैं, मतलब चौकोर चौकोर टुकड़े बनाए जाते हैं कश्मीरी कढ़ाई के, और वो बहुत ही सुंदर डिज़ाइंस के बनाए जाते हैं। और लास्ट है जामावार शॉल। तो जामावार जो होते हैं वो सूती और ऊनी दोनों ही रेशों के मिले हुए होते हैं, और बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं ये, बहुत ही महंगे होते हैं, क्योंकि इनका बॉर्डर ब्रोकेड का बना होता है जिसमें सिल्क के धागे होते हैं, और इन पर जो चित्रण होता है, जो नमूने होते हैं, फूल, पत्ती, या फिर पक्षी और अंगूर, चेरी, मतलब फल, फूल, पत्ती, ये सब इसमें बनाए गए होते हैं, और अगर शिकार का चित्रण किया हुआ है तो उस शॉल को शिकारगढ़ कहते हैं। और जो धागे काम में लिए जाते हैं, एक तो सिंगल धागा होता है, और कलर्स जो है बहुत सारे होते हैं, काला, पीला, नीला, बैंगनी, हरा, सफ़ेद, नारंगी, ये कलर्स जो होते हैं वो एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से ये कश्मीरी कढ़ाई कला के बारे में है। और इसके बाद में हम पंजाब की फुलकारी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।